होता है घुटना, हिप जॉइंट की मूवमेंट है हमारी। दोनों हाथों से पांव को पकड़ें और घुटने को चलाएं। छोड़ते हुए नीचे आएंगे, अपने पंजों को टच करेंगे। थ्री, बहुत बढ़िया प्रयास। यहाँ पे लेफ्ट लेग बैक। फोर, पुराने जमाने में जब हम मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद जाते थे तो ऐसे ही नमन करते थे। रिवर्स आई, पेट को जरा खींच के रखेंगे, पतले पतले छोटे छोटे से जो है इनको। टू, मिडल में आए, बढ़ते हुए श्वास दोनों हाथों को खींचे ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। एक बार फिर से सामने ले आए, भरे श्वास छोड़ते हुए। इनहेल, छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए राइट साइड पे जाएंगे। डाउन आ दोनों सिर पे, वाह, रिलैक्स दोनों हाथ हैं। ये मैं पहले भी जैसे बताया कि इच्छा थी, इन्होंने कल हमारे से कहा तो हमने कहा हम आपके साथ जरूर इस प्रोग्राम को शेयर करेंगे। और मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ, इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं। योग करना चाहिए, हम 2015 से उसी हॉल में योग कर रहे हैं। और विकास सर मिलते थे तो बहुत दूर दूर से हमारी हेलो हेलो होती थी, तो अब ये बहुत ही, हम इनके करीब हैं, ये हमारे करीब नहीं है, हम इनके करीब हैं और ऐसे ही करीब रहना चाहेंगे, आप सबके भी करीब रहना चाहेंगे। योग सवेरा की ओर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, विकास सर का धन्यवाद करता हूँ। सही योग से जुड़े रहें, सेहत है, समय और सेहत जो है ये दो बहुत अमूल्य चीज़ें हैं। समय निकल गया वो नहीं आता, सेहत एक बार खराब हो गई वो नहीं आती, तो इसलिए समय और सेहत का ध्यान रखते हुए आप योग रोज योग करें। धन्यवाद। What my mother has taught me since day one is finding good people in life is your greatest achievement. Every member of this yoga family, this first time me expressing my gratitude towards you all. Vikas and you, Rajatraya, Arunraya and Nihar. और ऐसे ही एक अपेक्षा रखूंगा कि 21 जून को जो अगला प्रोग्राम है उसी उसमें भी आपकी शमूलियत उसी तरह से रहनी चाहिए। और ये जो एक्सपीरियंस आज का हुआ है ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जो अंदर से आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी आत्मा को जो प्योरिटी मिली है ये अभ्यास करने के बाद, ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, इसको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है।
महाजन वैवेश्य योग दे वालों आज आज हमारे यहाँ पे हमने डीकैथलॉन ने हमारे साथ मिलके यहाँ पे योग का आयोजन करा था, जिसमें कि वैवेश्य योग टीम को उन्होंने बुलाया और हमारे साथ मिलके उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पे प्रोग्राम करो, हम इंटरनेशनल योग दिवस मनाना चाहते हैं। तो आज मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पे आया हूँ, जहाँ पे हमने योग के कुछ अभ्यास करे हैं और लोगों को बताया कि अपने दिनचर्या में आप अपने जीवन को, नैतिक जीवन में आप इस तरह के अभ्यास से अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे प्रथम हमने कुछ ब्रीदिंग करी हैं, हमने प्राणायाम के बारे में उनको बताया कि श्वासों के माध्यम से हमने अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। जो हमारे श्वास है, श्वासों के माध्यम से अपने प्राणों को जागृत कर रहे हैं, प्राण जिससे हमारा शरीर चल रहा है, जिससे हम अपना कोई भी कार्य कर रहे हैं, जो हमें एनर्जी देता है, उसको हमें श्वासों के माध्यम से जागृत करना, उसके लिए कुछ प्राणायाम रहे हैं। फिर कुछ सूक्ष्म अभ्यास रहे हैं श्वासों के माध्यम से, जिससे कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक जाए, है ना, और शोल्डर और लेग्स की मूवमेंट करें। छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम हैं जो हमें स्वस्थ बनाएं, जो हमारे आजकल दिनचर्या में सर्वाइकल बहुत सी कॉमन प्रॉब्लम है, उसके लिए शोल्डर मूवमेंट करी हैं। हमारे घुटनों की दिक्कत है, उसके लिए हमने लेग की स्ट्रेचिंग करी है। फिर एक अपने आप में आ जाता है संपूर्ण अभ्यास, जिसको हम कहते हैं सूर्य नमस्कार, उसको श्वासों के माध्यम से कैसे करना। तो सूर्य नमस्कार का हमने अभ्यास करा, उसमें 2 राउंड करे हैं, ज़्यादा नहीं। उसमें यही बताया गया है कि सूर्य नमस्कार से हम अपने आप को हर बीमारी से लड़ने की क्षमता है सूर्य नमस्कार, तो सूर्य नमस्कार के अभ्यास करें। उसके बाद फिर हमने ओम चैंटिंग करी। ये हमारा आज का वो रहा है और ये हमारा प्री योग दिवस हमने मनाया, 21 को हम मनाने जा रहे हैं, जो कि हमारा अभ्यास, वो मैं आपको जगह बता दूंगा कहाँ पे 21 को रहेगा। वहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं हमारे साथ जो योग अभ्यास करेंगे। हमने मंडी फैंटनगंज में बच्चों को फ्री अभ्यास सिखाया है, हमारी टीम ने एक उपराला करा है कि वहाँ के बच्चों को योग के साथ जोड़ने का, जिन्हों बच्चों ने कभी योग नहीं करा था उनको योग सिखाया है, उनको एक मंच पे ला के हम योग सिखा रहे हैं कि वो अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं आने वाले दिनों में, उनको पढ़ाई में कैसे फ़ायदा मिलेगा, उनको अपनी रोगों से लड़ने में कैसे क्षमता सक्षम रहेंगे, उनको योग अभ्यास सिखाया है। तो वो जो स्कूल वाले बच्चे हैं वहाँ पे अभ्यास करेंगे। कुछ दिल्ली से हमारे पास स्टूडेंट आ रहे हैं जो कि बहुत ही देखने लायक रहेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्रो योगा की टीम आ रही है पूरी दिल्ली से और वो टीम हमारे साथ योग करेगी। वो अपने आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं जो हमारे साथ 21 को योग करेंगे, वो देखने लायक होगा। मैं कहूँगा आपके माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी टीम का, जो आप आए हो हमें मीडिया के माध्यम से आप लोगों को जागृत कर रहे हो। तो मैं चाहूँगा लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और वहाँ जुड़े हमारे साथ आके और योग को समझें।